हे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो बनाने का कोई मूड नहीं था, तो भी मैं वीडियो बनाने में लिया, मतलब आना पड़ा, मजबूर कर दिया उत्तराखंड की श्याम ने। पता है क्यों? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने एक पिक्चर देखा था अनिल कपूर का, नायक। उसमें क्या अनिल कपूर क्या करते पता है? अमरीश पुरी ने एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाते हैं अनिल कपूर को। तो एक दिन का मुख्यमंत्री बन के पूरा स्टेट में जो भी करप्शन है, जो भी है, खत्म करता है। मतलब एक दिन में कोशिश तो कर लेते हैं, पर ख़त्म तो नहीं होता है। करप्शन तो भाई उनका ताकत बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कोशिश तो मान लो करते हैं भाई। पता है आपको मैं ये बात क्यों बताने जा रहा हूँ? क्योंकि ये बॉलीवुड में नहीं, हॉलीवुड में नहीं, टॉलीवुड में नहीं, ये हकीकत में, रियल लाइफ में एक दिन का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, उत्तराखंड की मुख्यमंत्री, मतलब लेडी मुख्यमंत्री। तो भी 24 जनवरी को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री दिया जा रहा है सृष्टि गोस्वामी को, क्योंकि सृष्टि गोस्वामी हरिद्वार जिला की रहने वाली, उनको एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। मैं आशा करता हूँ सृष्टि गोस्वामी जी, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और मैं यह आशा करता हूँ दिल से कि आप एक दिन का मुख्यमंत्री तो बन रहे हैं। लेकिन शायद आपने वो मूवी देखा होगा, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस मूवी की तरह ही करो, पर आप ये जरूर करना, जो भी मतलब राज्यों में, जो भी देश में, जो भी करप्शन चल रहा है ना, ये थोड़ा बंद करने की कोशिश करना एक दिन में, एक ही दिन में बस इतना तो कोशिश करना जितना हो सके। आपको टाइम दिया है 24 घंटा, 24 घंटे में जो भी आप कर सकते हो कर लेना, ताकि पूरा देश में आपका मतलब नाम हो जाए, पूरा वर्ल्ड में आपका नाम आ जाए एक दिन का मुख्यमंत्री बन के। आपने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, पूरा सोशल मीडिया, इंटरनेट पे आना चाहिए, यही रिक्वेस्ट करता हूँ। आइए दोस्तों, देखते हैं ये सृष्टि गोस्वामी जी खुद क्या बोला है एक दिन का मुख्यमंत्री, किसने इनको मुख्यमंत्री बनाया एक दिन के लिए, इनके खुद की मुँह से सुनिए। मैं सृष्टि गोस्वामी, जिला हरिद्वार। मैं उत्तराखंड बाल विधानसभा की मुख्यमंत्री हूं, जिसका गठन प्लान इंडिया, राज्य बाल संरक्षण आयोग व श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम द्वारा किया गया है। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे एक दिन के लिए राज्य का मुख्यमंत्री बनने का अवसर बालिका दिवस पर मिला है। मैं इसके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। इस दिन विभिन्न विभाग मेरे सामने अपने कार्यों का प्रस्तुतीकरण करेंगे, जिसके बाद मैं उन्हें अपने सुझाव दूंगी। खासकर बालिकाओं की सुरक्षा से जुड़े हुए सुझाव मैं उनको दूंगी। धन्यवाद।